गणे मिस कर रहा था। आई रियली लव यू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। क्या आज मस्तराम जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पूरी रात से मतलब सांस नहीं आ रहा, नाक बंद है। बाबू उठ ला। अभी कैसी है तबीयत? सांस ना आ रहा गाइस, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा था। एक दर्द नहीं मिटा उससे पहले दूसरा चालू हो गया आपकी। अभी तो हाथ ही पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ। गाइस गुड मॉर्निंग, बहुत ज्यादा हालत खराब है। अभी सीजन ऐसा चल रहा है सब बीमारों ने। मैं कल सुबह और दिन में बिल्कुल ठीक था और शाम को घर पे जैसे आया पूरे नाक बंद हो गए, छींकें आने लग गई है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई एकदम से। तो आप अपना ध्यान रखना। अभी फिलहाल थोड़ा नॉर्मल हूँ क्योंकि अंकिता ने रात विक्स लगाए, गोलियां दी, टेबलेट दी, अभी ठीक हूँ फिलहाल। तो गाइस नहा धो के रेडी हो गई हूँ, झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया और मस्तराम जी को अभी मतलब आराम नहीं है, सांस नहीं आ रहा और छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी मैं गरम तेल कर रही हूँ, फिर उसकी मालिश कर दूंगी, सरसों का तेल है। अच्छा रहता हूँ ना तब तो इतनी सी भी काम नहीं करती मेरा। अब मैं बीमार हूँ ना इसलिए थोड़ी छाती पे तेल लगाएगी। तो ये मान लो आप कि 10 दिन तक बोलेगी मैंने तो तेरे छाती पे तेल लगाया था, मैंने तो तेरे वहाँ पे दवाई लगाई थी। कतरा बरा चे कतरी बढ़िया फिर मर बरा कर खुद के मुंडे से बोल देती है मैं कितनी बढ़िया छ। तुम्हारा नाक जाम हो गया जो काय क्यों हो सुसड़ा मत कर, सुसड़ा कर रही तू, मैं नींद ना आ रही, नींद ना आ रही। अब मेरे को तो बीमारी है यार, मैं तो बीमार हो गया, मेरे तो नाक बंद हो गया। फिर मुझे सांस ले रहा हूँ। हाँ अरे क्या सुसड़ा मत कर। फिर मेरा याद काम करता ना, मेरा हाथ काम कम करता है यार, दर्द करता है। अगर याद काम करता है तो उसको उठा के कचरे में फेंक किया था, पर मैं उठेगी नहीं, गदेड़ी मोटी बहुत है। डेली गरम गरम रोटी ना खुआ होगा सबकी धर्म पत्नियां गरम गरम में तो खिलाती है रोटी, ठंडी करके कौन खिलाता है। अंकल आया ना तो आंटी से झगड़ रहा था, आंटी ने फोन करके नहीं पूछा और खाना खा लिया। तब खाना खा के रेडी हो गया। अरे बन के कतरी झूठा बोल, सच्ची बात कहता हूँ मैं गाय, अगर मेरा मुँह से जो बात निकल रहा है ना वो सब सच्ची है। मैं सुबह सुबह झूठ बोलता ही नहीं हूँ, सुबह सुबह झूठ ना बोल, मुख दड़का ही बताओ तक बना रातिका जी जी का खाता था खाता जी जी का भाजी जी सो कौन लगाई रात रियाती का। बता बता बोल, खाली बोल। खाली रे खाली रियाती का ची का लाओ अगर मुखाई हो तो बता। आखिर क्या ये सच्चाई? जालिम औरत ये ना मेरा ना नाक साफ करती है, मैं क्या थोड़ा थोड़ा काम करती है तो बोलती है मैं ये नहीं करती हूँ, आई एम पढ़ी लिखी लड़की। अरे अमर और समझ मोड़ ना इंग्लिश भैया काय खेरी छे, अमर पढ़ी लिखी लड़की या तो समझ भाई, पर आई एम कहीं हो छे टाना दिन दिन टाना ना ना। ये बुरशेट कहाँ पे सिलाई थी आपने? पागल पता नहीं किसने सिली थी, पूरे को बिगाड़ दिया। कौन से कारीगर से सिलवाई थी आपने? उदयपुर सिलवाई थी क्या? ये मेरी बुआ सास ने भेजी थी। हो सकता है वो हमारा ब्लॉग देखता हो तो कल से अंकिता वो डिसलाइक करेगा कि मेरी बुराई कर रही है अंकिता। नहीं नहीं आप बहुत अच्छी सी ले हो। ऐसे कैसे भैया आप बहुत आगे जाओगे? ऐसे कैसे अपने पति देव की सेवा करती रहना हमेशा, सुबह सुबह उठ के पैर धो के पानी पीना और सड़े तो जूता पेरे वही बात। मैं तो वो जो जुराफों की जो खुशबू अमृत है वो पति देव की ऐसी खुशबू कहाँ मिलती है? सही बता नहीं ऐसे पतिदेव मतलब पतिदेव के पेड़ दो के पानी पीना मतलब ये हर किसी की बस की बात नहीं है। गाइस पेड़ धो के तो पी सकती हूँ लेकिन जो सारे दिन तो जूते पहरे रहते फिर जुरा फिर उनको खोलते इतनी बदबू आती फिर वो साफ तो वही तो है। अगर पेड़ साफ हो ना और उसको धो के पानी पिए तो नेचुरल पानी हो गया ना, तो आपको एक अलग ही क्वालिटी का पानी पीना है, HD क्वालिटी का। तो वो पानी पिएगी ना तो तेरा शरीर में भी जो आलसी पड़ा है ना वो बदबू का वो निकल जाएगा। हकीकत बता रहा हूँ मैं तेरे को, मैंने सुबह उल्टे हुए होती आज ताला सेडा साफ करके देख लो गाइस 4 बार बोल दिया इसने मेरा शेडा इतने तो मेरा शेडे नहीं आया क्योंकि मेरा तो नाक जाम था ना जाम एक भी नहीं आया। अरे राम पूरा पोछा तो गाइस ब्लॉग को बंद किया जाए। तो गाइस मालिश तो हो चुकी है, अंकिता बना रही है खाना मस्त, अब ऑफिस निकलना है भाई साहब, आजकल तो फार्म हाउस भी जाना नहीं होता हमारा, टाइम ही नहीं मिलता ना। सुबह मतलब सुबह जल्दी उठ जाते हैं 7 बजे उठते तो भी मतलब 11 कब बज जाती है पता ही नहीं चलता है, सर्दी का टाइम है बहुत जल्दी निकलता है। चलो खाना खिला दो मेरे को, दवाई लेनी है फिर निकलना है ऑफिस भी।
कल बहुत सारे कमेंट आए थे, मतलब हमने दारू के ऊपर 2-3 वीडियो बना दिए, तो कि मस्त राम जी तो दारू नहीं पीते, आप ऐसे ऐसे वीडियो क्यों बना रहे। हम शुद्ध शाकाहारी इंसान है गाइस, जिसमें ना हम अंडे तक भी नहीं खाते, हम कुछ भी नहीं, न दारू पीते। हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन हम नहीं पीते नहीं खाते। गाइस सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन धूप निकल रही है बढ़िया मस्त। अंकिता की रील्स वगैरह बनाने आया था इंस्टाग्राम पे, कुछ कॉमेडी रील्स बनाने आया था, बढ़िया बढ़िया रील्स है, तो आप जरूर से जरूर देखना। और गाइस शुक्र है इस आईफोन का जो मैं इस थावड़े में भी दिख रहा हूँ, नहीं तो आजकल हालत इतनी बुरी है कि थावड़े में दिखने का नाम ही नहीं है, बिल्कुल काला कलर उठाता हूँ। गाइस मैं तो इधर है ना गाय चराने आई हूँ, 2 गाय। तो गाय तो इधर है ही नहीं, एक बार रील्स बना के तूने भेज दी करवा दी। इधर तो बैल है वाला, तो बैल है ये वाली गाय है, हाँ इधर भी गाय है। गाय जी एक दिन क्या हुआ, हमारा पोपट हो गया, हमने एक रील्स बनाई गाय की और वो बैल निकला साला। हाय हाय गरीबी, हाय हाय मेरे को भी गरीब बना दिया। मैं कांच में देखता हूँ ना गाय, मैं खुद अपने आप को बहुत गोरा समझता हूँ, लेकिन जब मोबाइल में मेरी वीडियो बनती है ना, वो भी आईफोन में, भाई साहब मेरा मन करता है कि 2 गिलास पानी में डूबू, में एक में तो मरूंगा नहीं, दूसरे में डूब के मरूं। खतरनाक से भी बुरी वीडियो आती है भाई। गाइस आजकल तो हमारी 4-5 वीडियो तो बस काले गोरे पे बन रही है, और भगवान के समय डर तो तू ही काली आ रही है, तो सोच मैं तो घने बुरा रही हूँ। गाइस आज मैं अंकिता को बाइक दे के जा रहा हूँ मेरी, कि तू चलाना सीख जाना, या तो कल तक मेरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा परमानेंट, या फिर परमानेंट टेंशन चालू हो जाएगा, हाथ पैर तोड़ा लेगी। नहीं नहीं तुम्हारे बोचारी देख ली तरह सबसे मुझे धक्का दे दे रही मारा नहीं नहीं सही बता रही तुम, मुँह मारे बोलना चाहिए तन, पर अगर तारे साफ से देख ली फिर भी अगर तारी इच्छा होता मुँह मना ना कर सकूँ यार, था लाइफ में मुँह क्यों मना करूँ भाई, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, अब करूँगा मालिश। तो गाय अंकिता ले रही है मौसम्बी, इसकी फेवरेट मौसम्बी आज इसको दिख चुकी है, और मैं बैठा हूँ मेरी चंपारानी पे, तो जाता हूँ बाय बाय। तो गाइज मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि नीचे तो सर्दी लगती है, यहाँ पे भी ऐसा ही रूल है, छाया में जाओ तो सर्दी लगती है, धूप में जाओ तो गर्मी लगती है, अब कहाँ पे जाए गाइज। गाइज ये देसी जुगाड़ इधर लगा दिया है, छोटा पंखा, और ये तिल्ली, अपने गांव में तो इसको तिल बोलते हैं। मस्तराम जी तो दोपहर को चले गए थे, फिर मैं थोड़ी देर आंटी के पास बैठी और फिर सो गई थी, क्योंकि कुछ काम ही नहीं रहता ना। तो गाइस शाम हो चुके है और अब मैं बना लेती हूँ खाना, तो खाने के लिए आज पालक लिया है मैंने, और सोच रही हूँ पालक की कढ़ी बनाऊं और बाजरे की रोटी बनाऊं। गाइस मैंने कढ़ी तो बना दी है, और अब बनानी है बाजरे की रोटी, लेकिन चूल्हे पे बनानी है, तो गरम गरम बना दूं, जब मस्तराम जाएंगे ना तभी बनाऊं, क्योंकि अभी बना के रखूंगी तो ठंडी हो जाएगी। तो गाइस ये हो गई है मेरी कढ़ी रेडी। तो गाइस भगवान जी की कर दी है मैंने पूजा, लंबी उम्र है आपकी बहुत ज्यादा। बीमारी का घर आ गया। और सुनाओ कैसा रहा आज का दिन? दिन बहुत बढ़िया था। अच्छा, तबीयत भी ठीक थी, लेकिन शाम होते होते मुझे ऐसा लग रहा है वापस कि बीमार हो रहा हूँ। टेबलेट ले लिए थे, टेबलेट का नशा उतर चुका है, तो वापस लग रहा है, छाती दुख रही है। आज है ना आपको उकाली बना के पिलाऊंगी मैं, मतलब गुड़, इलायची, लौंग, अदरक सब कुछ बना के पिलाऊंगी। बड़ी मिस कर रहा था, गोलियां दू, थारे साफ सफाई करू, ये करू वो करू, अब झूठ बोल रही है 100% झूठ बोल रही है। आई रियली लव यू, अंकिता को इंग्लिश बोलना तूने सिखाया था क्या? मैंने आज इसको बोले कहाँ तक पहाड़े आते जो क्या बोलता है कि 142 तक, मेरे दादा को भी नहीं आते 142 तक। फिर मैंने दोबारा पूछा, मैंने की टेबल के लिए बोल रही हूँ इनको, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है ना, तो पहाड़े इसको आते ही नहीं है, इसको बोलना पड़ता है कि तेरे को कहाँ तक के टेबल आते हैं, तो फिर वही बोल रहा है रट रट के, मैं तो पागल हो गई। भाई तेरे हाथ जोड़ो यार इसको इंग्लिश मत सिखा, मैं अनपढ़ टेरा आदमी गंवार, ये मेरे को पागल कर देगी। सही टाइप की तो पहले से ही लड़की है ये। गाइज हमारे लक्ष्मी नेटबॉल में जीत के आई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत। गाइज छत पे आ चुके हैं और अंकिता बना रही है मस्त बाजरे की रोटी, कम से कम अंकिता को बाजरे की रोटी बनानी तो आती है, ये बात तो कहनी पड़ेगी यार। नहीं तो बहुत सारे गांव में रहती है लेडीज, उनको भी नहीं आता, तो मुझे आता है, कितनी गर्व की बात है। यहाँ पे आके प्राउड करना पड़ेगा,
कि अंकिता को बाजरे की रोटी बनानी आती है। और गाइज अब तो सर्दी इतनी बढ़ गई ना भाई, मेरे को खाना खिलाते भूख लग रही है। तो गाइज खाने में बाजरे की रोटी और कड़ी। हेलो गाइज, तो खाना पीना हो गया है और अभी सोने की तैयारी। सोने की तो क्या है अभी, क्योंकि मस्तराम जी का मतलब जुकाम से इतनी बुरी हालत खराब है ना, सांस आना ही बंद हो जाता है, नाक इतनी मतलब जाम हो जाती है बिल्कुल ही, मुंह से सांस लेना पड़ता है। कल भी यही सिचुएशन थी, आज भी यही है। तो गाइज व्लॉग का एंड यही पे करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।